garage, are you? पाकिस्तान की दागेबाजी पर चर्चा यहां जारी है और सुशील शर्मा जी जयपुर से जुड़े हैं अपनी राय के साथ। नमस्कार सुशील जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, दो लाइन किसी शायर ने कही है कि खुले शस्त्र है, खुली छूट है और खुली हुई नादानी है, और सारी दुनिया जान गई ये हरकत पाकिस्तानी है जी। और आपकी जंग छिड़ी मियाँ तो नामो निशान नहीं होगा, काश्मीर तो होगा लेकिन दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा। अब इनको वो कुछ करके दिखाना चाहिए, लोगों की आशा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, किस स्तर से बातचीत की जाए, एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ गोलीबारी, दोनों जो फ्रंट्स हैं वो खोलकर रखने चाहिए इस मसले पर? नहीं, फ्रंट्स की इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो पीस बिल्डिंग की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 2004 के अंदर, उसके बाद में ये यूपीए गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया था, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट बातें ये देखने की, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 से लेकर के कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये जो मसला जो वो जोड़ रहे हैं कश्मीर और आतंकवाद, ये दोनों मसले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है और उसकी जो ISI, वो चाहते हैं कि सबसे पहले कश्मीर का मुद्दे का समाधान होना चाहिए, और उसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे। ये क्या संकेत ये था, क्योंकि ISI ने जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, इस बार स्ट्रेटेजी बदली है, आर्मी के अंदर से ही जासूस पैदा किए जा रहे हैं, वहां क्या हरकतें हैं, हमारे जो बेस कैंप्स हैं उन पर नजर रखी जा रही है, चाहे आर्मी का हो चाहे वायुसेना को, तो इस बार तो कहीं ना कहीं रणनीति बदली है, कुछ कमजोरियों की और बात हो रही है। हो सकता है एक साथ कल को 6-7 बड़े कैंप्स पर एक साथ निशाना बना लिया जाए, नहीं जो जासूसी चल रही है, फिर उसका जवाब कैसे दिया जाए? नहीं, उसका जवाब यह है कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस जो एजेंसी है डिफरेंट है, वो डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस जो मैंने पहले भी बताई, वो हमारी इंटेलिजेंस क्रेडिबल नहीं है। नंबर टू, जो आपसे और मैंने सुनील जी से पूछा इस मसले पर, आरोप लगे लेकिन इन दोनों का जवाब जो आया उसके हिसाब से आने वाले 10 साल में भी ऐसे ही सूरत हाल बरकरार रहेंगे? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। वो दो मुद्दों के ऊपर जरूरत है कि हम एक लॉन्ग टर्म अपनी रणनीति का निर्माण करें कि किस तरीके के हमारे सामने चैलेंजेज या चुनौती हैं। हमें दूसरे देशों के अंदर, जैसे कि हमने देखा कि USA के अंदर एक प्रकार का कार्यक्रम हुआ करता था, उस कार्यक्रम में ये दिखाया जाता था कि ये सिचुएशन पैदा होगी तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास में क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। हमारे पास हार्ड ऑप्शन है, हमारे पास सॉफ्ट ऑप्शन, हमारे सामने भी कई ऑप्शन है, हमारे सामने भी इसराइल का उदाहरण दिया, इसराइल का दिया, अब US का हमारे सामने नहीं, है। इसराइल का एग्जांपल हमारे साथ नहीं, हमारे साथ फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसराइल का, क्योंकि आज जितने भी मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस कितने खराब हो सकते हैं, हमारी सुरक्षा को और ज्यादा खतरा पैदा होगा, तो वो मॉडल हम नहीं अपना सकते। इसराइल ने यहाँ तक कह दिया था, पाकिस्तान को, इंडिया को कह दिया था कि आप हमें आज्ञा दें तो हम इनका परमाणु कार्यक्रम उड़ा दें, कोई ये कोई तरीका नहीं है। किस रणनीति पर जाना चाहिए इस हिसाब से? अमन और आपकी सुरक्षा दोनों साथ होनी चाहिए, कि शासक की दायित्व होता है। जवाब वाली बात, जो लोगों की भावनाएं हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की भावनाएं किसी दौर में थी, उनको दरकिनार करना चाहिए, हकीकत से मुंह नहीं चुराना चाहिए। पहले PM ने जो कहा, बाद में अरुण जेटली ने एक बार कहा रक्षा मंत्री के नाते कि अनअफोर्डेबल लॉस पाकिस्तान को करना पड़ेगा, पर्रिकर ने वो बात दोहराई, और राज्यवर्धन सिंह ने म्यांमार के मामले में कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अगर हमारे यहाँ कोई अटैक हुआ तो। अब क्या हो गया, इसलिए आपको वो यथार्थ परक नीति अपनानी चाहिए जो भारत की वर्ल्ड लीडर के रूप में रही है। आपको बात भी करनी पड़ेगी लेकिन मुस्तैद भी रहना पड़ेगा। क्या वजह है कि इतनी बड़ी स्ट्राइक हमारे धरती के ऊपर हो गई है, जबकि हम 1.5 लाख फ्लडलाइट जलाते हैं, 50,000 पोल हमने सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इसका मतलब ये कि नेतृत्व के लेवल पे कोई गफलत हुई है, और युद्ध किसी का समाधान नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिसको अलंकृत किया गया था, उस सैनिक ने कहा कि 100 साल पहले पहली गोली चली थी कि आज के बाद कोई गोली नहीं चलेगी, युद्ध का खात्मा होगा, लेकिन खात्मा नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार फिर दोबारा हुआ, तो बातचीत से ही समाधान होगा। और हमें ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, सिविल गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए। वहाँ पूरा प्रयास इस घटना के जरिए ये हुआ है कि हमारे रिश्ते खराब हो, और भारत के मौजूदा नेतृत्व की भी मानहानि हो, उनकी तोहिन हो, और पाकिस्तान में भी जो सिविल लीडरशिप नवाज शरीफ के नेतृत्व में पनप रही है उसको नुकसान उठाना पड़े। तो हमें ये बदली रणनीति
हमारी सेना के अंदर जासूसी, क्योंकि दो महीने के उदाहरण बताते हैं, एक दर्जन गिरफ्तारियां बताती है कि इस बार के भेदिए अंदर से चुने गए। देखिए, अब सवाल ये कि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्या हमने अपने पहल पे की या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में की है। सरताज अजीज ने नेक्स्ट डे कह दिया, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर है, कि विदेश दबाव में इन्होंने की है। जब हम वाशिंगटन के कहने पे चलेंगे तो परिणाम तो हमें भुगतने पड़ेंगे। हमें अपने दम पे कोई फैसला करना चाहिए। क्या कोई सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, कोई स्टील किंग बीच में था बातचीत कराने में, या हमने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को देख के बातचीत की है? ये सवाल आज ये अहम सवाल है। सुनील जी, आपसे जानना चाहता हूँ, आपका इस पर नजरिया क्या है, आपको क्या लगता है कि बातचीत का जो मौजूदा दौर है वो किसके दबाव में? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग स्टील किंग की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तापी का जो गैस परियोजना है उसके अंदर एक बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने बंदरगाह भी बनाया है, उनका तापी के अंदर गैस परियोजना के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है। उस दबाव के अंदर ये वार्तालाप चालू हुई है। तो पहली बात तो है, अगर आप किसी भी ढंग से इस वेस्टेड इंटरेस्ट के वाले लोगों के कारण अगर आप वार्ता करेंगे तो उसके रिजल्ट्स यही होंगे। अब दो बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ही एक लाइक मैं एक एनालिस्ट के हिसाब से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो है कि वहाँ पे दो एजेंसी थी। मैंने 29 तारीख के आपके डिबेट में भी बात बोली थी कि सरकार और सेना जरबे अजब के बाद वहाँ पे सेना वापस से बहुत महत्वपूर्ण हो गई और राहिल शरीफ एक बहुत बड़े आइकन के रूप में उभरे हैं। पहली बात तो ये। अब रही बात है कि वार्ता की बात अगर हम करें तो सरकार तो पता नहीं किस गफलत में बात कर रही है, या अमेरिकन दबाव में कर रही है बात, या अडानी के दबाव में बात कर रही है, किसी जिंदल के दबाव में बात कर रही है। मगर एक तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ की सरकार आपसे बात इसलिए करना चाहती है क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पर वो भी परेशान है, वो एंगेज्ड है, तो एक बार के लिए ईस्टर्न बॉर्डर को पीस स्पेसिफाई करना चाहते हैं। सेना भी एक तरफ तो सेना ये भी चाहती है वार्ता भी हो, मैं दूसरी बात वो ये भी चाहते हैं कि कहीं इस पीस के मिशन के अंदर उनके जो लंबे जो पुराने 65 साल से 70 साल से कश्मीर और जिहाद का मामला लड़ रहे हैं कि वो बर्फ में नहीं दब जाए। तो इसलिए उस ऐसे इस ढंग के अटैक लगातार होंगे। आपको बताए तो मैंने उस दिन भी ये बात की। बीकानेर से रतन जी नमस्कार, हिमाचल प्रदेश से कहां से बोल रहे हैं आप? रतन जी, जी सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो डिस्कस चल रही है इसके ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया के जो विदेश सचिव की वार्ता है, उसके अगले महीने 15-14 या 15 तारीख को विदेश सचिव स्तर की जो वार्ता है उसको स्थगित करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जहां तक बात है वो वार्ता जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं जैसे आतंकी संगठन वहां पे चल रहे हैं जी। तो जैसे मोदी जी अभी पाकिस्तान गए थे तो वो लोग, उन लोगों को जो आतंकवादी संगठन है उनको कुछ इसका एक झटका लगा, तो वो लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह की ये विदेश सचिव की जो वार्ता है उसको बिल्कुल वो शुरुआत में हमने भी कहा कि ट्रैप करना चाहते हैं, और क्या भारतीय सरकार इसमें ट्रैप होगी। अरुण ओझा जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताए सर। सर, सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ जी, और साथ में सर मेरे को सुनील जी को कुछ कहना है। सर, आपकी डिबेट के माध्यम से जी। सर सुनील जी, आप मेरी बात को गौर से सुने और मैं जो आपको कह रहा हूँ उसका जवाब जरूर दें जी। सुनील जी, अभी आपने बोला था कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो मैं कहता हूँ मुंबई के अंदर हमला हुआ था उस टाइम आपकी गवर्नमेंट थी, ना कि भाजपा की थी। उस टाइम आपकी कांग्रेस पार्टी का सीना कहाँ गया था? मोदी जी ने बोला ये आरोपों की बात थोड़ी। अरुण ओझा जी, मैं इस पर अभी फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं सुनील जी से आप जो जानना चाहते हैं उसका जवाब लूंगा बाद में। उससे पहले भिंडा साहब, काफी देर हो गया आपके पास नहीं आया, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार वाकई में दहशतगर्दों की ट्रैप में आ जाएगी? नरेंद्र मोदी किस चाल पर, क्योंकि उन पर कई आरोप लग रहे हैं कि उनका रिमोट कहीं अमेरिका में है, कभी लगता है उद्योगपति के पास है, और कभी लगता है कि हाफिज सईद अपने रिमोट से ही उन्हें कंट्रोल कर लेता है। कोई भी घटना प्रतिकूल होती है तो ये सब आरोप ढूंढे जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री सचेत नहीं है। पाकिस्तान का जो चरित्र है, वहाँ के आतंकियों का जो चरित्र है, उस दृष्टि से हमें निश्चित तौर पर कुछ कठोर लाइन डालनी चाहिए कि म्यांमार वाला जो ऑपरेशन था उसके बाद पीएम भी बोले, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल भी बोला, लेकिन इस बार के हालात में ऐसा कुछ जैसे हमने वार्ता के लिए वार्ता की बात भी करें, वार्ता की बात होगी आज नहीं तो कल होगी, लेकिन अभी कठोरता करें, ये स्पष्ट करें कि ये चीजें करोगे तो हम वार्ता करेंगे वरना नहीं करेंगे, वरना हम दो टूक जवाब देंगे। ये भी हमारे पास है, हमारे पास सेना भी है, हमारे पास आत्मबल भी है, ऐसा नहीं है,
और देश मैं वही जानना चाह रहा हूँ लगातार इस मसले पर यही सवाल में शुरुआत से करता हूं, लेकिन आपका जवाब कठोरता के साथ पेश आना चाहिए, वार्ता के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो पहले बोला करते थे अब उस पर आएंगे? युद्ध जीता तब भी ताशकंद में जमीन देनी पड़ी, बांग्लादेश के समय में उनको छोड़ना पड़ा जो सरेंडर किया था, वो करना ही पड़ता है। लेकिन आज हमें कुछ शर्तें होनी चाहिए कि जैसे जो आतंकवादी संगठन है उनके बारे में नियंत्रण करे और प्रमाण दे पाकिस्तान कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद वार्ता करें। चलिए जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के रूप में जाना जा रहा है जी, और वो फेल्ड स्टेट भारत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी पड़ोसी है वो पड़ोसी अगर हम कहते हैं पीसफुल है, प्रॉस्परस है, वो अच्छा है। तो ये विकल्प जो बता रहे हैं कि हमें एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो विकल्प कौन सा है? वॉर इज़ नॉट द अल्टरनेटिव, युद्ध नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों देश जो इनके पास परमाणु हथियार है और संभवतः पाकिस्तान के पास ऐसा दौर क्या होना चाहिए, उसके साथ ही अरुण ओझा जी के सवाल का जवाब भी दूंगा। छोटा सा ब्रेक, आखिरी दौर में वापसी होगी और साथ ही आज के सवाल पर आपकी क्या राय है जवाब जानेंगे। देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी। जब जब भारत के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान जाकर के और शांति वार्ता की और अग्रसर अपने कदम बढ़ाए हैं, पाकिस्तान ने तब तक हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है और हम लोग आज पाकिस्तान तक सिमट करके रह गए हैं। अगर इस तरीके से ये माहौल चलता रहा तो हमारे देश के अंदर अराजकता का माहौल फैल जाएगा। इससे अच्छा है कि हमें पाकिस्तान पर आज ही हमला कर देना चाहिए। आतंकवादी संगठन है जो भारत पाकिस्तान का संबंध जो है वो निरंतर नहीं रखना चाहते, ऐसे माहौल को बनाकर वो अपने जो संबंध है वो और ख़राब करना चाहती है। ये पाकिस्तान दादागिरी कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी जो इसमें जो एक्शन नहीं ले रहा है वो उनकी गलती है साहब, इनको लेना चाहिए।